हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजल जायका किचन। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के लिए ये मिठाई, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है ना। इसमें दूध का इस्तेमाल होता है, ना मावा का ना घी का, फिर भी इतनी टेस्टी और मज़ेदार है और बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 चम्मच मैंने चीनी ली है, मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, 2 इलायची डाल के और 8 से 10 बादाम लेकर चीनी को हमें पीसना है। तो इस तरह से फाइन पीसकर तैयार हो जाए। ये मैंने 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, ड्राई कोकोनट। तो इसको हम चीनी के साथ एक बार पीस लेते हैं। ये एक बार पीस जाता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। ये मैंने 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया। सारी चीज़ें मैंने कटोरी कप से आप मेज़र करें उसी के हिसाब से मैंने चीनी ली थी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसे बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध हमें 1-1 चम्मच करके ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 या 2 ही चम्मच इसमें दूध इस्तेमाल होगा। तो अच्छे से ये ढोलक कर हमारा तैयार। इसमें मेरा 3 चम्मच दूध लगा है बस। अब इसमें हम अच्छा सा कलर लाने के लिए येलो फूड कलर ऐड करें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम सिल्वर फॉइल या प्लास्टिक थैली पर या बटर पेपर पर आप इसको बेल सकते हो। अगर चिपक रहा हो तो थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है हमने और इसको हम बेल लेते हैं। इसकी साइडें जो फट गई हैं कोई बात नहीं है, वो तो रोल करते समय एक सी होती है। तो ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये मैंने पिस्ते लिए, इनको भी चॉप कर लिया है। अब ये सारे टूटी फ्रूटी और पिस्ते इस पर हम पूरी इस मिठाई पर हम फैला लेते हैं। इसकी थिकनेस है ना, हमने पतली रखी है ना ज़्यादा मोटी रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इस पर मैंने टूटी फ्रूटी और ये पिस्ते फैला दिए। आप इस पर ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के और ऐड कर सकते हो। तो इसको दबाते हुए हमें टाइटली इसका रोल बनाकर तैयार करना है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। जैसे ये बीच बीच में चटक रहा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको हम हाथों से, अब इसको हम थोड़ा सा दबाते हुए एक सा कर लेते हैं, इस तरह से राउंड राउंड घुमाकर। अब इसको सिल्वर फॉइल में कवर कर देते हैं और इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए तो कटने में ये आसानी रहेगी। 1 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसके रोल को हम कट कर लेते हैं। तो आप मोटा पतला अपने हिसाब से मिठाई को कट कर सकते हो। काटने से पता चल रहा है बहुत ही सॉफ्ट और ये देखने में जितनी मज़ेदार है खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है। देखा ना, घर के ही सामान से बहुत ही आसानी से, बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली ये मिठाई आप घर पर इसे बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो रक्षाबंधन के लिए ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। आप जिस किसी को भी खिलाओगे कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसको मिठाई को घर पर बनाया है। ये मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है मिठाई। घर पर भी आप इसे बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।